शहडोल लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी सांसद प्रत्याशी हिमाद्री सिंह से संवाददाता ने खास बातचीत की। बता दें कि सांसद हिमाद्री सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय दलबीर सिंह एवं पूर्व सांसद स्वर्गीय राजेश नंदिनी की सुपुत्री है। हिमाद्री सिंह शहडोल लोकसभा क्षेत्र की लोकप्रिय सांसद है और दूसरी बार चुनाव के मैदान में है। भाजपा प्रत्याशी हिमाद्री सिंह को जन समर्थन मिल रहा है। भाजपा प्रत्याशी हिमाद्री सिंह ने रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य को प्रमुख मुद्दा बताया। कहा कि शहडोल में नागपुर ट्रेन, संभागीय मुख्यालय शहडोल में पासपोर्ट कार्यालय, चारों और रोड की कनेक्टिविटी, ऐसे सभी विकास के कार्य हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि जीतने पर शहडोल में जल्द एयरपोर्ट बनेगा और सर्वप्रथम शिक्षा के लिए अमरकंटक में मेडिकल कॉलेज की शिक्षा व्यवस्था की जाएगी। संसदीय क्षेत्र की सभा जनता का समस्या का समाधान होगा। जैसे जैसे चुनाव के मतदान का दिन नजदीक आ रहा है और वैसे वैसे भाजपा और कांग्रेस दो गुट की चुनावी सरगर्मी तेजी से बढ़ती जा रही है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। आप उसकी लोकप्रिय सांसद भी हैं और पुनः दोबारा प्रत्याशी बनाई गई हैं। इस बार जो है अहम मुद्दे जनता को लेकर, आप क्या विचार किए हैं मुद्दे को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने पुनः मुझे संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी के रूप में उतारा है। और निश्चित रूप से जो हमारा पिछला जो कार्यकाल रहा, हमारे इस क्षेत्र में ऐसे कई बड़े मुद्दे रहे जो काफ़ी वर्षों से लंबित रहे। जैसे कि काफ़ी समय से हमारे इस क्षेत्र में नागपुर ट्रेन की एक मांग चली आ रही थी, जिसको हमने आप सभी लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से उसका परिचालन हमने प्रारंभ किया। ऐसे ही पासपोर्ट कार्यालय का भी हम लोगों ने शुभारंभ हमारे शहडोल मुख्यालय में किया। और ऐसी बहुत सी बड़ी रोड कनेक्टिविटीज़ हैं जो हमने अपने सभी उमरिया ज़िले में, हमारे अनूपपुर ज़िले में, हमारे शहडोल ज़िले में, और जो हमारा कटनी का एक विधानसभा है बड़वारा, उसमें विभिन्न जो प्रमुख जो मार्गे थी उसको भी हम लोगों ने स्वीकृत कराने का काम किया। और बहुत से जगह अभी कार्य चल रहे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी, शिक्षा के भी क्षेत्र में, जो हम और बेहतर क्या कर सकते हैं उस दिशा पे हम निरंतर हम चिंता कर रहे हैं और कार्य कर रहे हैं। ये मेडिकल कॉलेज तो काफ़ी वर्षों से संचालित है, कुछ मूलभूत सुविधाएं वहाँ, विशेष रूप से कई चिकित्सक वहाँ पे उपलब्ध भी नहीं है, कई वहाँ पे जो जांचें होती हैं वो भी उपलब्ध नहीं है, इसके लिए आप कैसे पूरा करेंगे? देखिए, आने वाले समय में ये मेरी प्राथमिकता है कि मैं शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम और अपने आदिवासी अंचल में हम और बेहतर क्या दे सकते हैं अपने लोगों को, उस दिशा में हमारा ये प्रयास रहेगा। और निश्चित रूप से आने वाले समय में मेरा ये भी प्रयास रहेगा कि जो हमारा शहडोल मेडिकल कॉलेज है उसमें एक सुपर स्पेशलिटी खुले, जिससे कि जो लोग इलाज कराने बाहर जाते हैं तो उनको वो सुविधा हमारे इस क्षेत्र में ही मिले। और हमारा जैसा अनूपपुर ज़िला है, आप सभी को पता है कि जो हमारा देश का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय है वो हमारे अनूपपुर ज़िले के अमरकंटक में है। तो आने वाले समय में मेरा ये भी प्रयास रहेगा कि वहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज हो, जिससे कि यहाँ पे आने वाले समय में हम अपने क्षेत्र के बच्चों को मेडिकल के क्षेत्र में भी हम तैयार करें और यहाँ के लोगों का उसका मेडिकल कॉलेज का लाभ मिले। शहडोल संसदीय क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है, प्रधानमंत्री की कई योजनाएं किसानों को तो मिल रही हैं, लेकिन कई आदिवासी किसान भी हैं, सामान्य भी हैं, ओबीसी हैं, आदिवासी किसानों को ऐसी क्या लाभ मिले जिसके लिए आप तत्पर तैयार रहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन रहा है और उन्होंने सभी वर्गों को समाहित किया है, हमारी जो केंद्र की योजनाएं हैं उसके माध्यम से सभी वर्ग के लोग लाभान्वित हो रहे हैं, चाहे वो किसान हो, गरीब हो, युवा हो, महिला हो, सभी वर्गों को ध्यान में रख करके हमारी सरकार कार्य कर रही है। और निश्चित रूप से हमारा ये क्षेत्र आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है और मैं ऐसा समझती हूँ कि यहाँ पे अधिकांश लोग खेती किसानी पर आधारित हैं। जिस तरह से एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत जैसे
हमारे जो गरीब किसान भाई बहन हैं उनको सशक्त करने का काम हमारी केंद्र की सरकार कर रही है, और वहीं हमारी प्रदेश की भी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे किसान भाइयों को जो एक सहायता राशि दे रहे हैं, निश्चित रूप से आने वाले समय में ये एक व्यापक रूप से मैं समझती हूँ कि हमारे किसान भाइयों को बहुत बड़ी एक आर्थिक सहायता तो मिलती है, और आने वाले समय में भी जिस तरह से जो आधुनिक खेती है उसका भी हमारी सरकार निरंतर ये प्रयास कर रही हो कि हमारे इस क्षेत्र में उनको प्रशिक्षण मिले, और खेती में हम कम संसाधनों में किस तरह से हम अधिक उत्पादन हम यहाँ पे करें, और अधिक से अधिक हमारे जो छोटे किसान हैं उनको लाभ मिले, इस दिशा में हमारी सरकार प्रयास कर रही जी, शहडोल संसदीय क्षेत्र में 4 जिले हैं, 8 विधानसभा हैं, काफ़ी बड़ा क्षेत्र है आपके लिए। आप कैसे वहाँ के पहुँच तक लोगों को पहुँचेंगे और उनको अपनी मुद्दे की बात रखेंगे? है। देखिए, निश्चित रूप से लोकसभा क्षेत्र बड़ा होता है, और मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं हर अपने क्षेत्र में पहुंचूं, हर गांव कस्बे में पहुंचूं, पर क्योंकि क्षेत्र बड़ा रहता है और चुनाव के समय समय का भी अभाव रहता है, पर फिर भी मेरा ये प्रयास है कि अधिक से अधिक मैं अपने लोगों के साथ एक मेरी कनेक्टिविटी बने, और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो संगठन है, वो भी निरंतर 24 घंटे 365 दिन क्षेत्र में वो काम करते हैं, और उनके माध्यमों से भी हम लोगों को क्षेत्र की जो गतिविधियां हैं उनसे मैं अवगत होती रहती हूँ, जो क्षेत्र में अगर दिक्कत है समस्याएं हैं तो उनके माध्यम से भी हम क्षेत्र में कार्य करने का मैं काम करती हूँ, और मेरा ये प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक समय मैं अपने लोगों के बीच पहुँचूँ और उनके साथ जो भी हमारे क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, दिक्कत है या कोई विषय है तो उनसे मैं कनेक्ट करने का मैं प्रयास करती। आपका जो विधानसभा क्षेत्र पुष्पराजगढ़ है और माँ नर्मदा माई का उद्गम स्थल है, यहाँ पे कुछ ऐसी योजनाएं आप चलानी चाहेंगी अपने पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए? देखिए, आपने जैसे अमरकंटक की बात की, तो ये हम सभी का सौभाग्य है कि माँ नर्मदा की गोद में हम सभी लोग यहाँ पे पले बढ़े हैं, और हमारा ये सौभाग्य है, और मैं ये समझती हूँ कि अमरकंटक माँ नर्मदा की उद्गम स्थली है, तो मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मैं समझती हूँ कि उनके इस पवित्र भूमि का मुझे सेवा करने का अवसर इस क्षेत्र की जनता ने दिया, और ना केवल मुझे बल्कि मेरे परिवार को भी मिला, जिसके लिए हम सदैव ऋणी रहेंगे। और इस दिशा में अभी कुछ दिनों पहले ही प्रसाद योजना के तहत जिस तरह से वहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअली वहाँ पे 50 करोड़ से अधिक का वहाँ पे उन्होंने जो इनॉग्रेशन किया, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में वो हमारी पवित्र भूमि है, माँ नर्मदा में हम सभी के आस्था का केंद्र है, और आने वाले समय में भी उसको पर्यटन के क्षेत्र में उसको बढ़ावा मिले, और वहाँ पे स्थानीय जो हमारे लोग हैं उनको रोजगार मिले, इस दिशा में हमारी सरकार कार्य कर रही है। पिछले पंचवर्षीय में आपने कांग्रेस को 4.5 लाख वोटों से हार दिलाई थी, इस बार 6 लाख का दावा है, कैसे जीत को हासिल करेंगे आप 6 लाख वोट को? देखिए, जिस तरह से टिकट घोषणा होने के पहले और टिकट घोषणा होने के बाद जिस तरह से मेरा एक जो हमारे परिवार और हमारे इस क्षेत्र के बीच में जो मेरा एक जनसंपर्क रहा, और जिस तरह से न केवल हमारे इस क्षेत्र में बल्कि पूरे मैं कहूँगी देश में जिस तरह से माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन रहा है, और जिस तरह से जो 2014 से लेकर के तो अभी तक 2024 तक जिस तरह से हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में भी इसका हमको सकारात्मक परिणाम मिलेगा, और हम भी इसके लिए प्रयासरत हैं, और हमारा भी ये जो आदिवासी अंचल है, हमारा भी जो ये आदिवासी जो लोकसभा क्षेत्र है वो भी विकास के कार्यों से कहीं अछूता नहीं रहा है,
और निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे इस देश की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद देगी, हमारे इस क्षेत्र की जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी। और आने वाले समय में जिस तरह से जो 400 पार का जो नारा हमारी पार्टी ने दिया है, निश्चित रूप से हम उस पे खरे उतरेंगे। और हम अपने इस क्षेत्र से भी हमारा प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक और पिछला रिकॉर्ड तोड़ते हुए हम इस बार अधिक मतों से हम यहाँ से जीत करके जाएं। जनता की जनप्रतिनिधि सबसे बड़ी सांसद कहलाती हैं और जनता की आप आवाज़ हैं। इस बार ऐसा आप क्या 5 वर्ष में आगामी यदि जीतते हैं तो ऐसा क्या मुद्दा उठाएंगे और जनता की समस्याओं को कैसे पूरा करेंगे? देखिए, जिस तरह से सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के मंत्र के साथ हमारी पार्टी काम कर रही है, और निश्चित रूप से आने वाले समय में इस क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा। और इस क्षेत्र के लिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में मेरी ये प्राथमिकता रहेगी कि इस क्षेत्र को हम और बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। और अब आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो ये लोकसभा क्षेत्र है, जैसे हमारे यहाँ नेशनल पार्क है बांधवगढ़, हमारे यहाँ नर्मदा जी का है, हमारा ये पूरा कोल बेल्ट एरिया है, और आने वाले समय में पर्यटन की दृष्टि से भी यहाँ पे और भी इसका हम पर्यटन के क्षेत्र में हम बढ़ावा देंगे। और आने वाले समय में जिस तरह से अब जो और भी कहना चाहिए, जिस तरह से हम आधुनिक उसमें बढ़ रहे हैं, पर हम अपनी विरासत को भी सहेजते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और आने वाले समय में हमारे शहडोल लालपुर में जिस तरह से हवाई अड्डे की भी काफ़ी समय से मांग है, तो ये मेरा प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में हमको उसकी भी सुविधा मिले। हमने ट्रेन तो चलवाई है, हवाई भी चलाएंगे, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। और हमारे यहाँ कृषि महाविद्यालय खुले, जिसमें कृषि के क्षेत्र में भी आने वाली पीढ़ी उसको पढ़ें और व्यापक रूप से उसका फायदा हमारे इस क्षेत्र में हो। मेडिकल कॉलेज के लिए मैं प्रयास करूंगी कि हमारे इस अनूपपुर में जो हमारा जनजाति विश्वविद्यालय है, वहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज खुले। तो ऐसे तीन चार प्रमुख चीज़ें हैं जो आने वाले समय में मेरा ये प्रयास रहेगा। शहडोल संसदीय क्षेत्र की जनता के लिए आपका क्या अपील है? मैं अपने शहडोल संसदीय क्षेत्र की जनता से मैं यही विनम्र आग्रह और निवेदन करती हूँ कि आने वाले इस 19 तारीख को, 19 अप्रैल को, आप सभी लोग अपना अमूल मत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करें, ताकि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो 2047 के विकसित भारत संकल्प जो उन्होंने लिया है, और आने वाले समय में हम विकसित राष्ट्र बनाने की ओर अग्रसर हैं, आप सभी का समर्थन और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, तो निश्चित रूप से हमारा ये प्रदेश और हमारा ये संसदीय क्षेत्र भी उस ओर अग्रसर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका साधना न्यूज टीम से जुड़ने के लिए। थैंक यू। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारत।